तो गाइस चेंसो मैन के एपिसोड 1 में हमने देखा डेंजी याकुजा गैंग के मेंबर के साथ काम करता है और डेविल्स को मारकर याकुजा गैंग का सारा पैसा लौटाने की बात करता है। लेकिन याकुजा गैंग का लीडर एक जॉम्बी डेविल से मिला हुआ होता है और डेंजी को किसी फैक्ट्री में बुलाकर उसे मार देता है। तभी पोचेता डेंजी के साथ कम्बाइंड होकर डेंजी की जान बचा लेता है और इस तरह से डेंजी और पोचेता एक हो जाते हैं, जिसके कारण डेंजी बहुत पावरफुल हो जाता है। उसके बाद डेंजी अपने चेंसो से उस जॉम्बी डेविल को मार देता है। उस जॉम्बी डेविल को मार देने के बाद डेंजी सारे के सारे याकुजा गैंग के मेंबर को भी मार देता है। तभी वहाँ पर माकीमा आ जाती है। डेंजी बहुत थका हुआ हो जाने के कारण गिरने लगता है। तभी माकीमा उसे पकड़ लेती है और उसे बचा लेती है और डेंजी के सामने एक ऑफर रखती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पेट की तरह रहना होगा, वरना मैं तुम्हें डेविल समझकर मार दूंगी, क्योंकि मैं डेविल हंटर हेडक्वार्टर में काम करती हूँ और डेविल्स को मारना मेरा काम है। डेंजी माकीमा के ऑफर को हाँ कर देता है। अब आगे माकीमा डेंजी को अपनी गाड़ी में बिठाकर डेविल्स हंटर हेडक्वार्टर ले जाने लगती है। तभी माकीमा डेंजी से पूछती है, देखो मैं तुमसे जो भी पूछूंगी तुम उसका जवाब भाव भाव या तो हाँ में देना, क्योंकि मुझे अपने पेट से ना सुनने की आदत तो बिल्कुल नहीं है। डेंजी माकीमा की बातें सुनकर डर जाता है और डेंजी सोचने लगता है, ये मुझे बिल्कुल अपने कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है, मैं क्या करूँ, पर ये काफी खूबसूरत है और मुझे इसे डर भी लग रहा है। तभी डेंजी को अपने पोचेता की याद आने लगती है और वो अपना चेस्ट छूने लगता है। पोचेता, तभी डेंजी का पेट आवाज करने लगता है। माकीमा समझ जाती है डेंजी को भूख लगी है। तभी डेंजी कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है। डेंजी की बातें सुनकर माकीमा कहती है, ठीक है हम यहाँ रेस्टोरेंट में उतरकर कहीं खाना खा लेते हैं, लेकिन तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकते, लो मेरा कोट पहन लो। डेंजी माकीमा का कोट लेकर पहन लेता है। तभी डेंजी सोचने लगता है, टोक्यो शहर के सारे लोग मुझसे दूर भागते हैं क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं गंदे कपड़े पहने रहता हूँ, मुझसे स्मेल आती है, इसके बावजूद भी इस लड़की ने मुझे अपना कोट दिया, ये कितनी अच्छी है, मैं इसे पसंद करने लगा हूँ। डेंजी माकीमा को अंदर ही अंदर लाइक करने लगता है। रेस्टोरेंट में पहुँच जाने के बाद माकीमा डेंजी से पूछती है, तुम क्या खाओगे? तभी डेंजी कहता है, मैं एक उडॉन और एक सॉसेज स्टिक लूंगा। माकीमा डेंजी के लिए उडॉन ऑर्डर कर देती है। तभी माकीमा डेंजी की तरफ पलट कर देखती है। तभी डेंजी बेहोश होने लगता है। चेंसो बनने के बाद बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाने के कारण डेंजी को चक्कर आने लगता है और डेंजी बेहोश होकर माकीमा के ऊपर गिर जाता है। कुछ टाइम के बाद डेंजी को होश आ जाता है। होश में आने के बाद माकीमा डेंजी से पूछती है, तुम बेहोश क्यों हो गए थे? तभी डेंजी कहता है, जब भी मैं चेंसो में बदलता हूँ मेरा बहुत सारा ब्लड मेरे शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसके कारण मुझे चक्कर आने लगते हैं, ब्लड लॉस होने के कारण मैं बेहोश हो गया था। तभी माकीमा डेंजी से पूछती है, तुम चेंसो मैन में इवॉल्व कैसे हुए, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तभी डेंजी कहता है, मेरे पास एक पेट पोचेता था जिसने अपनी कुर्बानी देकर मुझे बचाया, उसने मेरे हार्ट को अपने हार्ट से रिप्लेस कर दिया क्योंकि मैं मरने वाला था और पोचेता चाहता था कि मैं अपनी जिंदगी आराम से जीऊं, जिस तरीके से मैं चाहता हूं। पोचेता ने मेरे लिए कुर्बानी दे दी, अब वो मेरे पास नहीं है। तभी माकीमा डेंजी को बताती है, डेंजी मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, मेरी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है और जैसा मैं देख सकती हूँ तुमसे इंसानों और डेविल की स्मेल दोनों आती है, इसका मतलब तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर पोचेता जिंदा है। तभी डेंजी अपने चेस्ट को छूने लगता है और कहता है, क्या ये सच है, पोचेता मेरे अंदर अभी भी है और वो जिंदा है? कमाल है। अपनी बातें बोलने के बाद डेंजी दोबारा से बेहोश हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद डेंजी उठ जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मेरा उडॉन कहाँ है? तभी डेंजी देखता है माकीमा उसके बगल में बैठी होती है और कहती है, फाइनली तुम उठ गए, मुझे लगा था तुम आज उठोगे नहीं, तुम्हारा खाना तुम्हारे सामने है डेंजी, तुम खा सकते हो। तभी डेंजी कहता है, लगता है मैं बहुत देर तक बेहोश रहा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, खाना अभी भी गर्म है, तुम खा सकते हो। तभी डेंजी कहता है, मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ, क्या तुम मुझे खिला सकती हो? तभी माकीमा डेंजी को अपने हाथों से खिलाने लगती है और कहती है, तुम डॉग जैसे ट्रेन करना आसान है क्योंकि तुम डॉग तो बिल्कुल नहीं हो लेकिन एक पालतू जैसे हो, चलो ठीक है ये लो इसे खाओ। तभी डेंजी माकीमा के सामने कुत्ते जैसा एक बार भौंक देता है, जिसे देखकर माकीमा हंसने लगती है। तभी डेंजी माकीमा से कहता है, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो? मैं तुम्हारे साथ बहुत टाइम से हूँ लेकिन मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। तभी माकीमा कहती है, मेरा नाम माकीमा है। तभी डेंजी माकीमा से दोबारा पूछता है, तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है? मैं बस यूं ही पूछ रहा हूँ। तभी माकीमा सोच कर कहती है, मुझे डेंजी टाइप के लड़के पसंद है। डेंजी अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लगता है और सोचता है, मैं भी इसे पसंद हूँ, मुझे इससे प्यार हो गया है। अगले ही दिन माकीमा डेंजी को हेडक्वार्टर लेकर जाती है, जहाँ पर बहुत सारे डेविल हंटर्स होते हैं। कुछ डेविल हंटर्स पार्ट टाइम के लिए काम करते हैं और कुछ डेविल हंटर्स
फुल टाइम के लिए। माकिमा डेंजी को अपने ऑफिस में लेकर जाती है और कहती है, ये लो तुम इस यूनिफॉर्म को पहन लो क्योंकि तुम्हें काम पर जाना है और तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ एक साथी भेजूंगी, तुम्हें उसी के साथ काम करना होगा। तभी वहाँ पर आकी आ जाता है, वो भी एक डेविल हंटर होता है। तभी माकिमा कहती है, तुम आकी के साथ बाहर जाओ और देखो शहर में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डेविल्स हैं। तभी डेंजी कहता है, पर मुझे लगा था हम दोनों साथ में काम करेंगे, मुझे इस बेवकूफ के साथ काम नहीं करना। तभी आकी डेंजी को घसीटते हुए ले जाने लगता है और कहता है, चुपचाप यहाँ से चलो, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। आकी डेंजी को घसीट कर ले जा ही रहा होता है, तभी माकिमा डेंजी की टाई बांधते हुए कहती है, अगर तुम अच्छा काम करोगे डेंजी तो मैं तुम्हारे साथ काम जरूर करूंगी, अब ये तुम पर डिपेंड है, अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो एक दिन हम और तुम साथ में काम करेंगे। माकिमा की बात सुनने के बाद डेंजी आकी के साथ चला जाता है। बाहर जाने के बाद डेंजी आकी से पूछता है, हे क्या तुम्हें पता है मिस माकिमा क्या वो सिंगल है या फिर, हे तुम सुन नहीं रहे हो क्या? तभी आकी कहता है, मेरे पीछे आओ। आकी डेंजी को एक सुनसान गली में लेकर जाता है और उसके बाद एक जोरदार पंच डेंजी के मुंह पर मारता है जिसके कारण डेंजी गिर जाता है। तभी डेंजी दोबारा खड़ा होता है, आकी डेंजी की गर्दन पकड़कर एक जोर का किक उसके पेट पे मारता है और उसे जमीन में गिरा देता है। उसके बाद आकी कहता है, सुनो बच्चे तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें ये जॉब बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इस जॉब को पैसे के लिए किया और वो सारे के सारे मारे गए, तुम्हें नहीं पता ये जॉब कितनी खतरनाक है, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं माकिमा से कह दूंगा, डेविल्स को देखकर तुम भाग गए समझ गए, वरना बेवजह तुम यहाँ अपनी जान गवा दोगे। अपनी बात बोलने के बाद आकी सिगरेट निकाल कर डेंजी के ऊपर फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी डेंजी गुस्से से खड़ा होता है और दौड़कर जाकर आकी के टांगों के बीच में एक जोरदार किक मार देता है और कहता है, तुम्हें मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तुम बहुत अच्छे इंसान हो लेकिन तुम्हें नहीं पता पहली बार किसी ने मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया, मुझे अच्छा खाना खिलाया और इन सब चीजों के लिए मैं अगर मर भी जाता हूँ तो मुझे कोई गम नहीं, ये सारी चीजें मेरे लिए एक सपने जैसी थी जो मैं जी रहा हूँ, समझ में आया तुम्हें? डेंजी अपनी बातें कहते हुए आकी के टांगों के बीच में जोर से किक करता रहता है। तभी आकी उठ खड़ा होकर डेंजी को जोर से धक्का देता है और कहता है, तुम बेवकूफ, तुम्हें लगता है माकिमा तुम जैसे गधे से इम्प्रेस होगी? आकी की बातें सुनकर डेंजी को गुस्सा आ जाता है। दोबारा डेंजी आकी के टांगों के बीच में जोरदार किक मारता है। अपनी बकवास तुम बंद करो, ये मेरा मामला है। डेंजी आकी को उठाकर माकिमा के ऑफिस में लेकर जाता है और माकिमा से कहता है, हम लोग जब पेट्रोलिंग पे निकले थे तभी एक अखरोट डेविल ने आकी के ऊपर हमला किया और इसे घायल कर दिया। तभी आकी कहता है, ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे मारा। माकिमा दोनों की बकबक सुनकर कहती है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट हो, तुम दोनों साथ में ही काम करोगे चाहे जो हो जाए। तभी आकी माकिमा से पूछता है, मैं इसके साथ काम क्यों करूं, इस गधे में ऐसी क्या खास बात है? तभी माकिमा आकी को बताती है, डेंजी एक डेविल है मैं मानती हूँ, लेकिन ये अपनी मर्जी से डेविल बन सकता है, अगर तुम इसके साथ काम नहीं करोगे और ये कहीं भाग गया यहाँ से तो डेंजी को एक डेविल समझकर मार दिया जाएगा, डेंजी को यहाँ पर मरते दम तक काम करना होगा, समझ गए तुम? डेंजी माकिमा की बातें सुनकर डर जाता है। क्या क्या कह रही हो तुम? आकी डेंजी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था क्योंकि डेंजी खाते वक्त टेबल को बहुत गंदा कर देता था, नहाते वक्त बाथटब में सो जाता था और वॉशरूम यूज करने के बाद उसे फ्लश भी नहीं करता था। कितना घिनौना इंसान है ये। अगले ही दिन डेंजी आकी के साथ पेट्रोलिंग पे चला जाता है जहां उसे पता चलता है किसी फिंड ने एक इंसान की बॉडी पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। तभी आकी डेंजी को बताता है, तुम्हें फिंड के बारे में पता है? तभी डेंजी कहता है, नहीं मुझे फिंड के बारे में बिल्कुल नहीं पता। तभी उसे पता चलता है फिंड भी एक डेविल की तरह होता है जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। फिंड के चेहरे पर कुछ न कुछ निकला हुआ होता है जिसे पता चलता है वो डेविल नहीं फिंड होता है। फिंड इंसानों की बॉडी पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है लेकिन डेंजी के अंदर भी पोचीता होता है और डेंजी का बॉडी डेंजी के कंट्रोल में रहता है, इसलिए डेंजी एक डेविल होता है न कि फिंड। तभी आकी और डेंजी फिंड के कमरे के सामने पहुंच जाते हैं। आकी जोर से किक मारकर कमरे का दरवाजा खोल देता है और कहता है, जाओ और इस फिंड को मार दो। तभी डेंजी फिंड के सामने जाता है और अपने साथ लाई कुल्हाड़ी से उस फिंड की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। तभी आकी कहता है, तुम चैनसो मैन क्यों नहीं बने? तभी डेंजी कहता है, मुझे फिंड पर दया आ गई थी इसलिए मैंने इसे आसान मौत दिया। डेंजी की बातें सुनकर आकी को गुस्सा आ जाता है और उसे धक्का देकर कहता है, सुनो मेरी बात बेवकूफ कहीं के, तुम्हें नहीं पता है फिंड और डेविल पर दया नहीं करना चाहिए। नीचे जो पुलिस वाले खड़े हैं वो अपने फैमिली और बच्चों को बचाना चाहते हैं क्योंकि ये फिंड और डेविल बहुत खतरनाक होते हैं। मैंने अपने बहुत सारे परिवार को खो दिया। डेविल्स और फिंड के अंदर दया नहीं होती, वो तुम्हें मार सकते हैं। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
तभी डेंजी कहता है, मुझे तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मेरा आज तक कोई भी एक दोस्त नहीं है। अगर मेरा बस चले तो मैं किसी डेविल और फिंड को भी अपना दोस्त बना लूं, अगर वो अच्छा हो तो। मुझे बस एक दोस्त चाहिए। आकी डेंजी की बातें सुनकर वहां से चला जाता है। तभी डेंजी देखता है उस कमरे में कुछ एडल्ट मैगजीन पड़े होते हैं, जिसे उठाकर वो देखने लगता है और वो कहता है, मेरे पास कोई गोल नहीं है, मैं क्या करूं। तभी डेंजी सोचता है, हाँ माकीमा, मुझे माकीमा के दिल में जगह बनानी है। मैं किसी भी तरीके से उसके दिल में जगह बनाना चाहता हूँ, यही मेरा गोल है। मैं उसे बस एक बार टच करना चाहता हूँ। डेंजी और आकी माकीमा के ऑफिस पहुँच जाते हैं। तभी माकीमा डेंजी और आकी से बोलती है, तुम लोगों ने अच्छा काम किया और तुम लोग बहुत सही समय पर आए हो। मैं तुम दोनों की टीम में एक नया मेंबर ऐड कर रही हूँ, वो जल्दी आने वाली है। तभी वहाँ पर पावर आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, मैं आ गई हूँ, मेरा स्वागत करो गधो। तभी माकीमा डेंजी को बताती है, इसका नाम पावर है और ये एक फीड है। माकीमा की बातें सुनकर डेंजी कहता है, क्या हम एक फीड के साथ काम करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं करने वाला। तभी डेंजी देखता है पावर खूबसूरत होती है। तभी डेंजी कहता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके साथ भी काम कर सकता हूँ। डेंजी, पावर, तुम दोनों को पेट्रोलिंग के लिए बाहर जाना है। जाओ और डेविल्स को देखो, कहीं वो टोक्यो शहर में कोई मुसीबत ना खड़ी कर रहे हो। डेंजी पावर के साथ पेट्रोलिंग के लिए बाहर चला जाता है। तभी पावर डेंजी के सर के ऊपर एक जोर सा तमाचा मारती है और कहती है, तुम बेवकूफ इंसान, मुझे जल्दी किसी को मारने के लिए दो, मैं बहुत खून की प्यासी हूँ। तभी डेंजी मनी मन कहता है, हाँ तुम खूबसूरत हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें बताता। पावर डेंजी को बताती है, मैं बहुत खतरनाक फीड हूँ, मैं जंगलों में जब रहती थी तब मैं जंगली जानवरों को मारकर उसे खा जाती थी और उसका खून पीकर जिंदा रहती थी। तुम्हें पता है मेरी बॉडी से डेविल की खुशबू के कारण कोई भी डेविल आसपास नहीं आता, शायद इसीलिए आज पेट्रोलिंग पर हम दोनों अकेले हैं। पावर की बातें सुनकर डेंजी सोचता है, इस तरीके से मैं इसके साथ रहा तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्या मुसीबत है। तभी पावर को कहीं से डेविल की खुशबू आने लगती है। तभी पावर कहती है, ओह कहीं से मुझे ब्लड की खुशबू आई। अपनी बात कहने के बाद पावर दौड़कर भागने लगती है। बिल्डिंग के नीचे एक डेविल होता है जिसके सामने एक सिविलियन डेविल हंटर भी होता है। वो डेविल को मार नहीं पाता इसलिए वो बैकअप बुला रहा होता है। तभी पावर दौड़कर जाकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है और बिल्डिंग से कूद जाती है। कूदने के दौरान पावर अपने कलाइयों से ब्लड रिलीज करती है और अपने ब्लड से एक बड़ा सा हैमर बनाकर उस डेविल के सर के ऊपर जोर से मारती है, जिसके कारण वो डेविल पूरी तरीके से फट जाता है। डेविल के फट जाने के कारण उसका ब्लड पावर के ऊपर लग जाता है। पावर की इस हरकत को देखकर डेंजी कहता है, ये पूरी की पूरी पागल है। Hey guys, आपको अगर ये चैप्टर पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।